में एक ऐसा मामला होता है जहां एक जिस्म दो सिर वाले बच्चे जन्म लेते हैं। जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ तो परिवार के सभी लोग हैरान रह गए, जिनको जावरा से इंदौर के MY अस्पताल में भर्ती करा। जिस्म दो सिर और तीन हाथ वाले बच्चे की कहानी। जावरा के ऑटो चालक सोहेल के घर में ये बच्चा पैदा हुआ। इस तरह के बच्चे को मेडिकल साइंस की भाषा में डाइसेफलस कहा जाता है। बच्चे का नाम माता पिता ने अली हसन रखा है। माँ साइना बताती है कि एक बच्चा शांत होता है तो दूसरा रोने लगता है। माता पिता रात भर जागकर अली की देखभाल करते हैं। वहीं माता पिता बारी बारी से दोनों को दूध पिलाते हैं। अली के साइज के कपड़े नहीं मिल पाते हैं। वहीं माता पिता का कहना है कि अभी अली पूरी तरह स्वस्थ नहीं है। वहीं परिजन बस यही दुआ करते हैं कि बच्चा सही सलामत रहे। 5-6 दिन होगा मेरे को यहाँ आए वो, इसको फ्रेश होने में बहुत तकलीफ आती है और अपन ये चाह रहा है कोई डॉक्टर अच्छा मिल जाए इनको, तो कोई इलाज करे। इलाज में भी मतलब बराबर नहीं देख रहे इनको, तो इनको बहुत परेशानी आ रही है अभी। कोई डॉक्टर इलाज नहीं कर रहा है? इलाज नहीं मतलब अपन किसको बताएं, समझ में नहीं आ रहा, किसी के यहाँ ले जाए तो वो बटे आऊ करते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि बच्चे के बचने के चांस कम है, पर बच्चा अभी सुरक्षित है और माता पिता बच्चे के स्वस्थ रहने की हमेशा दुआ करते रहे।